हेलो व्यूवर्स, नोटबुक आईएएस के डेली गारंटी स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है। उत्तर प्रदेश ने ईवीएस के लिए सब्सिडी पोर्टल किया लॉन्च। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समर्पित सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है। यह राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवीएस को अपनाने को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। चलिए नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सब्सिडी आयोजन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए 4 स्तरीय सत्यापन प्रणाली लागू की गई है। सत्यापन प्रक्रिया डीलर स्तर पर शुरू होती है, उसके बाद पंजीकरण और विभागीय सत्यापन होता है। अंतिम सत्यापन परिवहन निरीक्षण यानी कि TI द्वारा किया जाता है। इस संपूर्ण सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य आवेदकों की पात्रता को प्रमाणित करना और सब्सिडी योजना के किसी भी दुरुपयोग को रोकना है। इस सब्सिडी पोर्टल के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि UPDESCO को सौंपी गई है। एक प्रतिष्ठित संगठन के रूप में अपडेस्को पोर्टल के सुचारू संचालन और कार्यक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे तकनीकी प्लेटफॉर्मों के प्रबंधन में उनकी विशेषज्ञता उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करती है। इस पहल का उद्देश्य उन ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जिन्होंने 14 अक्टूबर 2022 के बाद ई वाहन खरीदे हैं, ताकि वे अपनी पर्यावरण अनुकूल पसंद के लिए वित्तीय सहायता का दावा कर सकें। UPEVSubsidy.in नाम का पोर्टल व्यक्तियों के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए एक सुविधाजनक मंच के रूप में कार्य करता है। चलिए जानते हैं इसकी सब्सिडी राशि और पात्रता मानदंड के बारे में। सब्सिडी योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी को विभिन्न खंडों में कोई एक वाहन खरीदते हैं, वे सब्सिडी के लिए पात्र हैं। दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती 2 लाख खरीद पर 5,000 रुपये प्रति वाहन की सब्सिडी उपलब्ध है। सब्सिडी राशि एक्स फैक्ट्री लागत के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 25,000 से पहले की खरीद पर प्रति वाहन 1 लाख रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है, वह भी एक्स फैक्ट्री लागत के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नजर डालते हैं आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। पहला है, UPEVSubsidy.in नाम का पोर्टल व्यक्तियों के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए है। दूसरा है, इस सब्सिडी पोर्टल के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने या कौन से विकल्प सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक IAS को।